नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो फॉर ऑल के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे राशि के अनुसार कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, लेकिन उससे पहले हम ये जान तो लें कि रुद्राक्ष पहनने के क्या क्या लाभ होते हैं। भगवान शिव को अति प्रिय है रुद्राक्ष, इसी वजह से भगवान शिव इसे खुद धारण करते हैं। यदि उनका कोई भक्त रुद्राक्ष धारण करता है तो भगवान शिव की कृपा उस पर बनी रहती है। यदि आप रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, और यदि आपके साथ कुछ अनिष्ट होने वाला होगा तो रुद्राक्ष उससे आपका बचाव भी करेगा। रुद्राक्ष धारण करने से स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं, इससे एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है, धैर्य में बढ़ोतरी होती है, आपका भाग्य उदय भी होता है। इसे मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जब कोई सिपाही युद्ध में जाता है तो उससे पहले वह ब्लड प्रूफ जैकेट पहनता है या फिर आर्मर पहनता है, क्योंकि वह अपनी सुरक्षा करना चाहता है। इसी तरीके से जब आप रुद्राक्ष धारण करते हैं और अपने कार्य के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपके प्रति नकारात्मक विचार रखते हैं और वह आपको नेगेटिव एनर्जी भेजेंगे। यदि आपने रुद्राक्ष धारण कर रखा है तो वह आपका बचाव करेगा, क्योंकि यह आपके एक आर्मर की तरह रिएक्ट करेगा। इसने आपके आसपास एक सुरक्षा कवच बना रखा है। रुद्राक्ष के अंदर एक तरीके का स्पंदन होता है जो कि नेगेटिव एनर्जी को आपकी तरफ आने से रोकता है, और जब नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ नहीं आएगी तो आप पॉजिटिवली चार्ज रहेंगे, और जब आप पॉजिटिवली चार्ज रहेंगे तो आप वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि किस राशि के लोगों को कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। वैसे तो मार्केट के अंदर 1 से लेकर के 14 मुखी तक के रुद्राक्ष अवेलेबल हैं, लेकिन 9 मुखी से लेकर के 14 मुखी के रुद्राक्ष जो होते हैं वह अत्यधिक कीमती होते हैं और थोड़े दुर्लभ होते हैं। इसी वजह से इनकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है, और काफ़ी बार लोग थोड़े से प्रॉफिट के लिए नकली भी रुद्राक्ष बेचने लगते हैं। तो 1 मुखी से लेकर के 8 मुखी तक के रुद्राक्ष हर राशि के लोग पहन सकते हैं। 1 मुखी का जो गोल्ड रुद्राक्ष होता है वह भी अत्यधिक दुर्लभ होता है और उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन 1 मुखी का जो काजू शेप का रुद्राक्ष होता है वह आसानी से मिल जाता है। तो अब हम बात करते हैं किस राशि के लोगों को कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कौन से प्रोफेशन में कौन सा रुद्राक्ष पहनना अत्यधिक लाभकारी रहता है। 1 मुखी रुद्राक्ष जो है वह मेष, सिंह, धनु राशि के जातक अगर धारण करते हैं तो उनके भाग्य में बढ़ोतरी होती है। और यदि आपका प्रोफेशन प्रशासनिक है, आप नेता हैं, मंत्री हैं, या फिर आप दवा विक्रेता हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं, या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, या फिर आपका कोई होटल है, तो ऐसे लोग यदि 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनको अत्यधिक लाभ मिलते हैं। अब हम बात करते हैं 2 मुखी रुद्राक्ष की। कर्क मीन राशि के लोग यदि 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनके भाग्य में बढ़ोतरी होती है। और अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो जो लोग न्यायाधीश हैं, वकील हैं, ऐसे लोग यदि 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनको अत्यधिक लाभ मिलते हैं। अब हम बात करते हैं 3 मुखी रुद्राक्ष की। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु मीन राशि के जातक इसे धारण करते हैं तो उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है। और जो लोग मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े हों, जैसे कि नर्स हों, कॉस्मेटिक का काम करते हों, दवाइयाँ बनाते हों या दवाइयाँ बेचते हों, ऐसे लोग अगर 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उन्हें अत्यधिक लाभ मिलते हैं। अब हम बात करते हैं 4 मुखी रुद्राक्ष की। तो वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ राशि के जातक यदि 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनके भाग्य में वृद्धि होती है। अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो जो लोग वक्ता का काम करते हैं, जिनका काम बोलना है, जो लेखन का काम करते हैं, पुलिस या सेना या डॉक्टर का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोग अगर 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनको अत्यधिक लाभ मिलते हैं। अब हम बात करते हैं 5 मुखी रुद्राक्ष की। तो मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, वृषभ, धनु राशि के जातक यदि 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है। और अगर हम व्यवसाय की बात करें तो जो लोग व्यापार करते हैं, जिनको धन लाभ चाहिए,
और जो लोग अपने नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं या फिर कोर्ट कचहरी का काम करते हैं या जिनका कोर्ट कचहरी आना जाना लगा रहता है, तो ऐसे लोगों को पांच मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अब हम बात करते हैं छह मुखी रुद्राक्ष की। तो वृषभ, मिथुन, मकर, कुंभ, सी राशि के जातक यदि ये धारण करते हैं तो उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है। और अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो जो लोग शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हों, प्रोफेसर हों, शिक्षक हों, तो ऐसे लोग अगर छह मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उन्हें लाभ मिलता है। और जो लोग मैकेनिकल काम कर रहे हैं या इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हैं या इस तरीके की इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहते हैं तो वह लोग छह मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उन्हें लाभ मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने की कंपनी हो, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, बिजली के कारखाने में कार्य करते हो या फिर ऐसी जगह काम करते हो जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है और मैकेनिकल पार्ट्स बनाए जाते हैं, तो ऐसे लोग अगर छह मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उन्हें लाभ मिलता है। अब हम बात करते हैं सात मुखी रुद्राक्ष की। कन्या, तुला राशि के जातक यदि इसे धारण करते हैं तो उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो जो लोग इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल काम करते हैं वह लोग इसे धारण करेंगे तो उन्हें अत्यधिक लाभ मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर जो लोग इलेक्ट्रीशियन हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या मैकेनिकल इंजीनियर हैं या फिर कोई इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं या उस तरीके के कारखाने में काम करते हैं, तो ऐसे लोग अगर सात मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनको लाभ मिलता है। कहने का ये मतलब है कि जो लोग अपने हाथों से कुछ चीज़ें बनाते हैं मैकेनिकली, ऐसे लोगों को सात मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब हम बात करते हैं आठ मुखी रुद्राक्ष। तो सिंह, कन्या और तुला राशि के जातक यदि आठ मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनके सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो जो लोग सीए हैं, सिविल इंजीनियर हैं, कंप्यूटर का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को आठ मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और जो लोग मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से भी जुड़े हुए कार्य करते हैं तो ऐसे लोग भी आठ मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल एग्जैक्टली पहले वाला ही है। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हों अपने हाथों के थ्रू या इलेक्ट्रिकल कारखाने में काम कर रहे हों तो ऐसे लोग भी आठ मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ज़्यादातर आठ मुखी तक के रुद्राक्ष आसानी से मिल जाते हैं और ये असली होते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष जो आपको पहनना है वह असली होना चाहिए, तभी आपको उसका अत्यधिक लाभ मिलेगा। नौ मुखी से लेकर के चौदह मुखी तक के जो रुद्राक्ष होते हैं उनकी कीमत अत्यधिक होती है और उसमें नकली मिलने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो जब हमारा काम आठ मुखी रुद्राक्ष पहनने से हो जाता है तो हमें नौ मुखी या चौदह मुखी तक के रुद्राक्ष पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से कोई भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। हर रुद्राक्ष के अंदर भगवान शिव की कृपा है और जब आप रुद्राक्ष धारण करेंगे तो आपके यश में वृद्धि होगी, सुख शांति रहेगी, जीवन में अत्यधिक लाभ मिलेंगे। और हर इंसान को एक बारी रुद्राक्ष धारण करके जरूर देखना चाहिए। इसे धारण करने से आप पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करेंगे और आपके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन रुद्राक्ष धारण करने के कुछ एक नियम जरूर होते हैं, क्योंकि इंसान को यदि कामयाब होना है तो नियमों को जरूर फॉलो करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो उस वीडियो को जरूर देख लें। यदि आप रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो 8070544544 नंबर पर बात कर सकते हैं। और यदि आप हमारे एस्ट्रोलॉजर से अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो 8070144144 नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक आप लोगों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसे अपने दोस्तों के साथ तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्या पता आपकी इस शेयरिंग से किसी इंसान के मन में रुद्राक्ष पहनने की इच्छा हो जाए और आप भी भगवान शिव की कृपा का पात्र बने। रुद्राक्ष पहनकर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इससे सकारात्मक एनर्जी का संचालन होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।